ठीक है। और किसी बच्चे को रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है ना? ठीक है। यस सर। ये जो है ये अल्फा, इसी को हम बोलते हैं अलाइलिक। सीएल टू एच न्यू, तो किताब में लिखा होगा सीएल एडेड या अटैच्ड एट अलाइलिक पोजिशन। अलाइलिक पोजिशन, अलाइलिक पोजिशन क्या होता है? मतलब अल्फा वाला जो, जी हाँ, उसी को हम अलाइलिक बोलते हैं। डबल बॉन्ड के बगल वाला, हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड के बगल वाला भी, ये भी अलाइलिक है। मतलब तो किसी के, किसी भी बॉन्ड के बीच में। जी हाँ, जैसे देखो बेंजीन रिंग, ये अलाइलिक है। अरे 1 2 3 वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, 3 पर जो कार्बन होता है वो अलाइलिक पोजीशन का। और किसी को कोई डाउट? और विनाइलिक किसे बोलते हैं? ये जो पोजीशन है या ये जो पोजीशन है, ये है विनाइलिक। जैसे Cl2AlCl3, ये विनाइलिक पोजीशन पर अटैच होगा, ये लिखा होगा किताब में। ये विनाइलिक पोजीशन पर अटैच होगा, तो विनाइलिक क्या है? ये दोनों। और अलाइलिक क्यों है? कौन सा है? ये वाला। इसमें ये अलाइलिक है, इसमें ये अलाइलिक है, इसमें ये अलाइलिक है। और कोई डाउट? और किसी को कुछ पूछना है? सर, अभी एक इंस्टीट्यूट से फोन आया था। मुझे वो बोल रहे हैं, मैं ये एकेडमी से बोल रहा हूँ। कौन से एकेडमी? ये रेडियंस से कॉल आया था सर अभी। अच्छा अच्छा, मैंने बोला अभी। चलो आगे करें। और किसी को कुछ पूछना है बताओ भाई। किसी को कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे पढ़ाता हूं। शांभवी। यस सर। कोई डाउट? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं है, अभी बनाया भी नहीं है ज्यादा क्वेश्चन आंसर। ठीक है। खुशी आपको? ठीक है, मैं इसको छोड़ता हूँ, आगे चलता हूँ। अब अनुज, तुमको? नहीं सर। ये जो तुम्हारा चैप्टर है ना अल्काइल हैलाइड वाला, उसका सारा क्वेश्चंस मैंने ऑलमोस्ट करा दिया है। तो फिर मैं आऊंगा ना वहां, तो एक बारी मैं फटाफट ब्रशअप कर दूंगा, एक बारी आऊंगा तो। लेकिन इसको समझो, अब हम आज करते हैं। पिछले दिन क्या किया था? सब्स्टिट्यूशन को किया था मैंने, सब्स्टिट्यूशन ही किया था, और एडिशन। पिछले दिन क्या किया था? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन कितने तरह का? इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक और फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। क्या बनेगा? ये आया, कैसे बना ये? उसे सीएल डॉट निकला। जी हाँ, मैकेनिज्म में कैसे है बना ये बता।
एच न्यू सी एल डॉट प्लस सी एल डॉट स्टेप वन, स्टेप टू में क्या आया, स्टेप थ्री में देखो बन गया। जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये फिश हुक नोटेशन दिखाएंगे, समझ आया? क्या समझ आया? जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये आधा एरो दिखाएंगे, समझ आया बच्चों? यस सर। यस सर। किसी को इसमें कोई डाउट है? नो सर। यदि इसको हम फिर फर्दर करेंगे तो दो सी एल लग जाएगा, फिर और फर्दर करेंगे तो तीन सी एल लग जाएगा। सर एक्सेस नहीं लिखे आप? फिर और फर्दर कर देंगे तो चार सीएल लग जाएगा, समझ आया? ये कैसा रिएक्शन है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और सब कहाँ है आर्यन? अरे अमा आयुष और सब कहाँ है? ये अच्छा सारे घर पे हो, ठीक है। अनुज तुम कहाँ हो? कोचिंग में। अच्छा कोचिंग में, तो और बाकी कहाँ है, तुम अकेले हो क्या? हाँ सर। अच्छा अच्छा ठीक, चलो आगे करें, ये खत्म या कुछ और पूछना है? ये आया? यस सर। यस सर। ठीक है, अब यदि इसको उतार लो, अब यदि इसी में दो कार्बन लगा दो, फिर सी एच थ्री सी एल, समझ आया? सर साइड का थोड़ा सा बोर्ड कट रहा है। एक देखो तो अब। हाँ ठीक है, आगे यदि दो के जगह पर तीन लगा दे तो भी ऐसे ही बनेगा, दो तरह का बनने लगेगा। एक किनारे में एच सी एल लगे और एक बीच में सी एल लगे, दो तरह का बनेगा ना। कितने प्रोडक्ट बनेंगे? पांच। पांच नहीं, दो ही तरह का बना ना, पांच कैसे?
अच्छा मतलब एक से पे, हाँ तब तो दो ही तरह से। यदि ब्यूटेट बना ले, चार ले ले तो कितने तरह का लगेगा? तीन। तीन नहीं, दो ही तरह का। सर एक बार दोनों कार्बन पे। ये आया, क्या देखा? लेकिन जब मैं ऐसा लूं तो कितने तरह का बनेगा? सर एक तरह का ही। गलत आंसर। कितने तरह का बनेगा? तीन। तो भी गलत आंसर। आइदर यहां लग जाए और यहां लग जाए, दो तरह का। यही सवाल आता है। या तो यहां लग जाए, ये एक जैसे है, या तो यहां लग जाए। समझ आया? नियो पेंटन, इसमें कितने तरह का बनेगा? इसमें कितने तरह का बनेगा? एक तरह का सर। जी हाँ, यही क्वेश्चन में आता है। समझ आया? देखो किसी को कोई प्रॉब्लम है? बताओ। एक सर, पहले वाला में दो तरह का। सोचो सोचो सोचो। पहले में एक और नीचे में भी एक। गलत है। सोचो।
सोचो तो पहले वाले में कितने बनेंगे, दूसरे वाले में कितने बनेंगे? पहले वाले में दो और नीचे वाले में एक। अच्छा चलो देखते हैं, यहां सीएल लग जाए। यही सवाल आता है पेपर में, यहां सीएल लग जाए। यहां सीएल लग जाए क्या? ये देखो तो सर, बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन को हटाएगा तो फिर हो सकता है ऐसा। बेंजीन रिंग का जा, ये भगवान नहीं, ये तो होगा। देखो बच्चों कितने बने, आयुष कितना बना? यस सर। अदिति कितना बना? अभी दो ही आ रहा था तुमको। सर एक आमने सामने नहीं लग सकता है? आमने सामने एक ही, एक बार में ही जुड़ना। अरे भाई ये बेंजामिन है ही नहीं तो और तो पारा क्या होता है, इधर कैसे लग सकता है? ये हाइपर कंजुगेटिव तो रहे है। क्या एक दिन पढ़ा देता हूँ, अगले दिन गायब हो जाता है दिमाग से। और ये भी सारा इसमें देखो कितना हाइपर कंजुगेशन है। कितने हाइपर कंजुगेशन है? सात। सेवन। तो कितने टाइप का लगेगा? तीन टाइप। दो ही कैसे आ रहे थे? मैं बार बार बोल रहा हूँ गलत है तो तब भी वही बोले जा रहा हूँ। अगले में बताओ इसमें एक ही बनेगा पक्का? सर कोई रिएक्शन नहीं होगा। होगा रिएक्शन यार, क्योंकि अभी हमने कहा अच्छा बेंजीन रिंग नहीं है वो। हेलो अरे और बच्चे कहाँ हैं? मेरी क्लास में कितने बच्चे ज्वाइन हुए हैं? तो कहाँ है? नहीं और कोचिंग का बच्चा सब कहाँ है? देख आप नहीं और जो है ये वहां पर कोचिंग का जो रहते हैं। एक एक मिनट अभी 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 जाके देखिए तो कौन कौन पढ़ रहा है। और अब ज्वाइन नहीं करना है उनको, हम उसको ब्लॉक कर देते हैं, वो ज्वाइन नहीं कर सकते। चलो आगे करें। यस सर। देखो कितने बने भाई साहब, तुम लोगों को कुछ यार सोचते ही नहीं हो। कहाँ कहाँ हाइड्रोजन है?
ये और ये तो सेम ही हो जाएगा, एक मिनट। अच्छा हाँ, ये और ये सेम हो गया, ये और ये सेम हो गया, ये नहीं। ये दोनों सेम है, कितने वाले हैं? पांच। तो एक कैसे बन रहा था आप लोग? यही आता है पेपर में, सोचो यार, थोड़ा दिमाग तो खोलो। समझ आया आर्यन? यस सर। क्या ये कोई बहुत मुश्किल चीज है? नो सर। नेहा आपको आ रहा है? नेहा आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलो आगे करें। मिटा दूं मैं इसको या किसी को अभी भी कोई डाउट है? स्टिल बोलो बच्चों। नो सर। अब मैं एक सवाल देता हूं, उसको बना के दिखाओ। ये ध्यान देना है किस तरह का कंपाउंड है और कितने बनेंगे। पेपर में यही सवाल पूछ देगा, कुछ भी नहीं है लेकिन आपको मुश्किल आ जाएगी। बताना इसमें कितना पॉसिबिलिटी है, कितने कंपाउंड्स बनेंगे। सर पांच तरह का। पांच तरह का बना है, तुम लोग बताओ भाई। सर तीन तरह। तीन तरह का बन रहा है, एक बोल रहा है पांच तरह का, एक बोल रहा है तीन तरह का। किसके साथ हो बाकी बच्चे? अनुज बताओ कितना बनेंगे। खुशी ना तो पांच बनेगा और ना तो तीन बनेगा, दोनों ही गलत है। नहीं सर दो बनेगा। दो ये और ये सेम है, कितने तरह का? चार तरह। इतनी चीज आप लोग नहीं बना सकते हैं क्या? यही आएगा पेपर में। बताओ कितने तरह का? बोलो भाई कितने तरह का बनेगा, कितना कंपाउंड बनेगा? सब पांच। पांच बन रहा है। दूसरे बच्चे बताओ। छह। छह बन रहा है, पांच और छह। और कोई?
एक दो तीन चार पांच छह, छह पॉसिबिलिटी है। एक और पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये और ये सेम है, इसलिए इसको काट दो। क्यों? क्योंकि ये CH3 इस कार्बन से और ये इस कार्बन से CH3, ये तो दोनों सेम ही हो गए, चाहे यहां लगाओ और चाहे यहां लगाओ। आया? यस सर। बन जाएगा इस तरह? यस सर। ठीक है, तो ये वाला पार्ट खत्म। तो फ्री रेडिकल का सब्स्टिट्यूशन फिनिश। फ्री रेडिकल का सब्स्टिट्यूशन फिनिश, समझ आया? कोचिंग की क्लास छुट्टी हो गई है कल से? यस सर। ठीक है, तो अब आगे कब का टाइम है खुलने का? सर 31 या 1 से? 1 से 31 क्यों? 30 तारीख को क्या है? 31 को क्यों दिया है भाई? डेट नहीं बताया अभी। ट्यूसडे का बोला था। ट्यूसडे क्या तारीख है? एक मिनट, ट्यूसडे तो 30 तारीख है। 31 तारीख को खुलेगा, वेडनेसडे को खुलेगा? या ट्यूसडे को टाइम दिया है? ट्यूसडे को आ जाओगे क्या होली के प्रात तुम लोग? नो सर। होली के अगले दिन? अरे होली जिस दिन होता है उसी दिन खत्म हो गया ना, तो अगले दिन का छुट्टी क्यों करना? वही ना सर, आने में समय लगता है। अरे तो जो घर पे रहते हैं दरभंगा में है उनको क्या आने में, जो दूर से है कोई बात नहीं, एक दिन लेट आए, तुम तो एक दिन एक्स्ट्रा पढ़ लोगे। किसी तरह के पास वो पीछे। हाँ, होली के बाद वाली पार्टी। होली के बाद 30 तारीख को होली है, सॉरी 29 को, तो 30 को खुलवाए या 31 को बता दो? 31 को। चलो ठीक है, 31 को ही रहने दो। चलो आसमाज करो 4-5 दिन। अब सब्स्टिट्यूशन का तो बता ही दिया, फ्री रेडिकल का एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल को ही कर रहे हैं अब, तो फ्री रेडिकल का सब्स्टिट्यूशन हो गया, फ्री रेडिकल का एडिशन। फ्री रेडिकल का एडिशन सभी में नहीं होता है, ये बेंजीन रिंग है Cl2H𝛎, क्या होगा? Br2H𝛎 क्या होगा? कोई रिएक्शन नहीं। जी हाँ, कोई रिएक्शन नहीं। लेकिन इसमें बोलो, इसमें नहीं होगा रिएक्शन, लेकिन इसमें हो जाएगा, लेकिन बहुत कम, 10-20% बस। क्यों? बहुत ताकतवर नहीं है वो। Cl2 हीट, Br2 हीट, क्या होगा? इस दोनों में रिएक्शन हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूट जाएंगे, Cl लग जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएंगे, Br लग जाएगा।
आया? यस सर। पेरोक्साइड, HBr, peroxide, HBr, peroxide, क्या होगा? HCl, peroxide, नहीं होगा रिएक्शन।